शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, छोले, शाही मखाना, ये सब सब्जियां खाकर बोर हो गई ना, तो आज मैं लेकर आई हूँ अंगूर और मखाने की एकदम अलग सब्जी। अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, पर टेस्ट बहुत अच्छा है। इसे बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। मैंने एक कटोरी में 6-7 लाल मिर्च और 7-8 लहसुन की कलियां छीलकर डाली हैं। ये थोड़ा सा गर्म पानी मैंने लिया है और इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आप इसकी जगह पर कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं क्योंकि वो कम तीखी होती हैं। अब हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, फिलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं। गाइज, मैंने ग्रेप्स लिए हैं, आजकल ग्रेप्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो ख़राब अंगूरों का यूज़ ना करें, साफ़ सुथरे अंगूर लें और उन्हें एक बाउल में मैं काट कर डाल रही हूँ, मतलब हाथों से तोड़ कर डाल रही हूँ। तो तकरीबन एक मीडियम साइज़ की जो कटोरी होती है ना, उतने मैं अंगूर लूँगी। इनको आप पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद इनको काट कर एक कटोरी में डाल लें। तो तकरीबन ये एक कटोरी अंगूर हो गए हैं। मैंने ली है एक बाउल कर्ड योगर्ट, दही बोल सकते हैं इसको। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारी दही हो वो बिल्कुल फ्रेश हो, खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना सारी सब्जी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मतलब फेंट लिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब, ये भी मैंने डाल दिया है, और तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी सौंफ पाउडर। सौंफ होती है ना, उसका जो मीठा सा फ्लेवर है वो इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। गाइस, मैं फिर से बता रही हूँ, आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, मैं ये स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि इस सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी और मसालेदार ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने शुरू में लाल मिर्च भी पीसी है ना, तो उस वजह से आप यहाँ पर लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं गैस पर। गैस पर मैंने एक पैन रखा है और ये देखिए मैंने कुछ मखाने लिए हैं, हम इन मखानों को ड्राई रोस्ट करेंगे। पाँच से छः मिनट लगेंगे मुझे इन्हें ड्राई रोस्ट करने में, हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम गैस को बंद कर लेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसे मैंने किसी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। फिर से वो पैन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जीरा और 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने तोड़कर डाल दिया है। जीरे को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ी सी हींग डाली है, मैंने ली है 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया था, तो इसको हम भूनेंगे। और प्याज को हमें इतना भूनना है कि ये टोटली, मतलब इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर जब तक ना हो जाए तब तक हम प्याज को भूनेंगे। ये देखिए इसका कलर आने लगा है ना, बस कुछ सेकंड्स में इसे और भूनूंगी। ऑलमोस्ट हमारा प्याज भून चुका है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस अब रुक जाए, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है वरना ये जल जाएगी।
अब हम वो दही वाला मिक्सचर इसमें डाल रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा होगी तो इसके फटने का डर रहेगा, और साथ साथ इसको चलाते रहें तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। लगातार चलाते रहेंगे, जो मिश्रण है वो फटना नहीं चाहिए। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, दही हमारी फ्रेश होनी चाहिए। अब ये मिर्ची वाला पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया था, ये आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर है। ये देखिए मैं इसको लगातार चला रही हूँ, मिश्रण नहीं फटा है। अब हम इसे ढकेंगे और ढककर 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे अंगूर और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से चीरा लगाया है। अंगूर का मीठा मीठा जो टेस्ट है ना, वो इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। तो अंगूर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट हार्डली। तो फिर से मैं ढक रही हूँ और 3 मिनट के बाद हम फिर से इसे देखेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख सकते हैं सब्जी का लुक कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट में हम डालेंगे मखाने, क्योंकि मखानों का अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं, वो जिस सब्जी के साथ मिलाते हैं ना उनको उसी का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब वही टेस्ट वो खुद में ले लेते हैं। तो मखानों को हमेशा लास्ट में डालिए, क्योंकि वो पानी भी बहुत ज़्यादा सोख करते हैं। बस मखाने डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमें इसे पकाना है। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनती है। मैं कह रही हूँ इसमें मसाले थोड़े से आप स्पाइसी रखिए, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम या मलाई। मेरे पास मलाई थी तो मैंने उसको फेंट लिया था, तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें क्रीम या मलाई के डालेंगे, जिससे इसकी रिचनेस भी बढ़ जाएगी और इसका कलर भी और अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी। बस यहाँ पर मैं गैस को बंद कर लूँगी। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव भी और टेस्टी भी है। बस बिना देर किए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप भी इस सब्ज़ी को बनाएं, बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। आप सबको खिलाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सब्ज़ी कैसी लगी। अपने मुझे फीडबैक दें और मैं आपके हर क्वेरीज़ का आंसर करूँगी। तो चैनल को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।